एक और की आपको बताने जा रहा हूँ, वो थी लाहौर की। अच्छा, पहले वाली भी लाहौर की थी, मतलब के लाहौर से जैसे अली टाउन हो गया ऐसे, मतलब आस पास थी, मतलब कितनी दूर नहीं थी वो दोनों। तो ये देख रहे हैं जब उसके मैंने देखा कि पांच बच्चे, तो मैंने मतलब किसने दिखाया ना, मतलब हमारा ब्रेकअप के बाद जो सब कुछ हुआ था, बस वो कहानी तो यहीं पे खत्म हुई ना। तो दूसरी मतलब वहाँ पे चले गए, वो भी लाहौर की थी। तो भाई वो ना हमारे, मतलब मैं स्नैक यूज करता रहता हूँ, के शाद गुजर 074 के नाम से मेरी स्नैक आईडी है, ठीक है ना। तो उधर मैं यूज करता था, मैं चलो ठीक है उसको मैं बोलने लगा ऐसा ऐसा, क्योंकि कुछ उसकी बातें भी ऐसी थी कि मतलब के उसके प्यार से मैं निकल के दूसरे के प्यार में पड़ने लगा। तो भाई इतना देखे कि मेरा दिमाग इतना हुआ है कि मैं मुझ जैसे, मैं नहीं कहता कि यार मैं हूँ ये है वो, मुझ जैसे बहुत से पड़े होंगे लड़के के इतने साफ दिल वाले, हालांकि मैं नशा उशा कोई चीज नहीं करता, ठीक है ना। तो ये देखेंगे मैं ना उसके प्यार में पड़ने लगा दूसरी के, ठीक है ना। उसने आया कि मुझे कहने लगे कि उसने मैसेज किया कि हाँ हेलो ऐसे, मतलब हमारे मैसेज बढ़ते गए ऐसा ऐसा व्हाट्सएप पे ऐसे, फिर मुलाकात आई। जब मैं मुलाकात करने जा रहा तो एक बार भाई मेरे यूट्यूब जो चैनल या अभी जो वीडियो बना रहे हैं मेरे एक बार भाई है, ठीक है ना। तो इनसे मेरी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई है, ठीक है ना। तो भाई ये देखें कि मेरे पास ये भी किसी अल्लाह ताला की तरफ से पास एक तरह का प्रोग्राम आया था, मुझे समझाया कि प्यार वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन इनकी बातें फिर भी मैं आदर गुजर करता रहा कि नहीं यार प्यार होता ये है वो है सब कुछ लाइफ वगैरह, मतलब कि कोई अपना वो मुस्तकबिल नहीं बना रहा था मैं। तो जब एक दिन आया दूसरी को मिलने का, तो मतलब पहली मुलाकात पे जा रहा था, तो भाई ने कहा कि अगर देख लिए तुमसे मैसेज करके देख लिए इधर ही चेक कर ले तू इसको, वहाँ पे क्या मैं देखने जाना ये। मैंने कहा चल ठीक है भाई, अच्छा कह रहे ठीक कह रहे होंगे। तो भाई ने जब मैसेज किया तो वो उनके साथ ही सकने लगी, तो मैंने कहा यार बस, मतलब इधर भी मेरा दिल टूटने लगा। तो ऐसे कुछ मैसेज आते रहे थे, तो मतलब उल्टी सीधी ऐसे बातें करने लगी मेरे बारे में। मैंने कहा यार जो हर लड़की है जो उसकी, मेरा मतलब भरोसा उठने लगा है जरा से। ये देखिए कि सच में खुदा कसम से कह रहा हूँ, सच में मतलब कि बिल्कुल भरोसा उठ गया मेरे लड़कियों से, आपके लड़कियाँ प्यार व्यार कुछ नहीं होता भाई। वो बस यही आपको बताना चाहता हूँ कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ठीक। तो भाई अच्छा, आपका तीसरी लव स्टोरी सुनाने वाला हूँ, वो रियल है और हकीकत है। पहले पहले की रियल थी और हकीकत थी, वो जो नहीं था तो ये भी रियल हकीकत है। तो ये देखे मेरे इतना पागल बनने में तीसरे भी भरोसा करने लगा। वो ऐसे कि वो ना हमारी मुलाकात एक बाजार में मैं ऐसे बस गया, तो ऐसे मिली तो आपस में हमारी तो ये देखे कि भाई इससे ना मैं भी इससे भी प्यार कर बैठा, कि मतलब कुछ दिन हमारी गप शप हुई, मतलब हमने बातचीत की आपस में गुफ्तगू वगैरह इस तरह की। तो मतलब कई मरतबा हम ऐसे कहीं कहीं पे बुला लेते तो आपस में मिल भी लेते, ठीक है ना। तीन चार मरतबा मैं उससे काफी मरतबा वैसे मिल चुका हूँ। तो ये देखेंगे भाई मैं ना मतलब उससे भी मिलने लगा था कुछ दिन। तो भाई बस आपको ये कहना चाहूंगा कि अच्छा, तो भाई ये देखेंगे आप सब की अब बातचीत हो रही है, सब कुछ हो रहा है जैसे, मतलब उसका पता लगता गया, लेकिन अब मतलब प्रूव हो गया उसके बारे में, मतलब कि मैं उससे शादी करना चाहता, मैंने समझा कि ये एक शरीफ सी लड़की है, मतलब कि इतनी मेरी बातचीत थी, तो आदम मिलना जुलना ये वो 24 घंटे उससे मेरी पूरी बातचीत होती, मैंने समझा शरीफ अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है, तो मतलब मेरा शादी करने का उसके साथ मेरा अपना जहन बना। तो मेरे इकबाल भाई हैं, तो ये जो बस क्या बताऊँ, मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है ना। इन्होंने मुझे इतना समझाया कि नहीं प्यार व्यार कुछ नहीं होता, लेकिन मैं गुस्सा कह जाता था कि भाई नहीं आप गलत कह रहे हो, प्यार होता ही है, मतलब कि मैं तीसरी लड़की पे भी ऐसे भरोसा करने लग गया। तो भाई मुझे डांटते भी थे, ये वो कहते हैं कुछ नहीं होता। तो ये देखने के भाई ने फिर उसके बारे में जांच जांच की, तो कहता अगर शादी करने की उसके बारे में कुछ मालूम ले लें बाद में, इतनी जल्दबाजी अच्छी भी नहीं होती। तो मैंने कहा ठीक है भाई जैसे आपका दिल चाहे, मैंने कहा मेरे बड़े भाई आप जो करो, ठीक है। तो उन्होंने मतलब कुछ मालूम ली के वो भाई आपको क्या बताया, वो भी किसी और की हमारे निकली है, मतलब के बस कुछ बता नहीं सकता, वो भी किसी और की मारा थी। तो दो बच्चे उसके पहले भी थे, मुझे इतना भी नहीं पता था। तो बस आप सबको ये कहना चाहूँगा कि लड़को आप ना अपना फर्नीचर बनाओ, ठीक है ना। बस आपको ये कहना चाहूँगा कि गाइस बस अपना ना फ्यूचर बनाओ, आप अपनी जिंदगी में कुछ मतलब के बनना है का शौक है, कुछ बनाना है आपने के कुछ बनना है इस तरह का, अपना आप इंटेलिजेंट बनाओ, अपने दिमाग में वो करो, ठीक है ना। चीज तो मतलब कि प्यार व्यार आपको ये बताऊंगा कुछ नहीं होता, ठीक है ना भाई। मैं इतना आप धोखे खा बैठा ना, अब मैं आगे से ना प्यार करूंगा मैंने मुश्किल, आप तो मेरी सोच भी नहीं है कि मैं इस तरह की सोच रख भी नहीं सकता आपके आगे, ठीक है ना भाई। बकाया एक बार मेरे भाई, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है,
इतना सब कुछ किया मेरे लिए, ठीक है ना, मैं उन्हीं की वजह से आज इस टाइम अपनी जिंदगी में साफ मतलब महफूज रख के बैठा हूँ, वरना आज तो मैं जिंदगी को अपनी को उजाड़ कर बैठा होता, ठीक है ना। तो ये भाई एक सच्ची स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, ठीक है ना, सिर्फ आप लोगों को बचाने के लिए कि आप अपनी जिंदगी को मतलब खराब होने से बचा रहे, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करने लाके सब लोगों को। जी प्यारे भाई, आप प्यार करने वाले लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं ये बताएं, उनको प्यार करना चाहिए या नहीं? भाई बस एक मैसेज देना चाहूँगा कि प्यार कर कुछ नहीं है, यकीन करेंगे भाई। देखो मैं आशिकी मशरूत में बहुत माहिर हूँ, मतलब कि कोई भी लड़कियों ने मुझे अपने आप पे इतना एतबार है कि मैं इसको पटा लूंगा, इसको ये कर लूंगा, इसको वो कर लूंगा, मतलब बोझ मैं अपने आप में वो रखता हूँ इतना का अपने दिमाग के जरिए, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई इकबाल है, ठीक है ना, इनका यूट्यूब पे चैनल है, ठीक है ना, इस भाई से मिलाऊँ कुछ दिन हो गए हैं, इनसे मेरी मतलब दोस्ती है, जो आसलाम हुई है एक फेसबुक के जरिए, ठीक है ना भाई। तो भाई ये देखेंगे, भाई ना मुझे बहुत रोता था, मतलब कि हर पूरा पूरा दिन ना मैं लड़कियों से बातें करता गुजर जाता था। तो भाई बस मैं ये कहना चाहूँगा कि प्यार व्यार छोड़ें, ठीक है ना, अपना मुस्तकबिल बनाएं, सारा बनाएं, मतलब कि अपना घर बार ये सब कुछ अपना मुस्तकबिल बारे में कुछ सोचें, ठीक है ना, प्यार बार को छोड़ें। आजकल की दुनिया में सच कह रहा हूँ, खुदा की कसम कोई लड़की शरीफ नहीं है, कोई होंगी, ये नहीं कहा सब एक जैसी हैं। देखो ना कि मैं सब लड़की की बात नहीं कर रहा, क्योंकि देखें ना आप मेरी बात को कोई बुरा ना माने, ठीक है ना, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल की कोई भी लड़की है ना, हर लड़की मतलब वो नहीं है, ठीक है ना। काफ़ी कुछ ऐसी मैंने लड़कियां देखी हैं जो मतलब कि बहुत शरीफ अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हैं, ठीक है ना, लेकिन आजकल के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि कुछ है, कुछ लोग हैं चांद से बचे हुए, ठीक है ना। तो भाई मैं सच बताऊँ ना, पांच लड़कियां थी, ठीक है ना, पांच गाइस, ये देखो भाई इतनी मैंने एक से दिल लगाया उसको, उसने अपनी कितना एक सिला दिया आपको बता नहीं सकता, उसकी मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँ ना, उसके लिए मैं कितना रोया, मतलब कि बहुत रोया उसके लिए, ठीक है ना। वो एक ऐसे अनजान में मुझे मिली थी, जब पिछले फिर एक साल के बाद फिर हम मिले, जब उसने अपनी ऐसे आम झलक तक तो अच्छा भाई जी पता नहीं था कि मतलब मैं उससे बात करता था, मिलता भी था ये वो, लेकिन मतलब ये वो ऐसे सब कुछ काम नहीं किया मैंने उसके साथ, ठीक है ना, बस ऐसे सलाम मतलब मिला जुला करता उससे। तो जब दूसरी मरतबा उसका हमारा ब्रेकअप हुआ, तो काफ़ी चंद महीनों बाद माँ बाप जब मिल रहे हैं, तो बाद में जब मिली ना मुझे, तो भाई बस तीन माह के ये देखो एक बच्चा तो उसके पेट में था, दो तीन उसके अपने आस पास बैठे थे, उसने मुझे खुद कहा कि ये मेरे बच्चे हैं। तो भाई आप बताएं इस पे मुझ पे क्या गुजरेगी इस टाइम, ठीक है।